अब ये क्या है, ये यहाँ पे तो इनक्रेडिबल इंडिया लिखा हुआ है स्वच्छ भारत। चलिए इस चीज की अनबॉक्सिंग करते हैं, ये तो आया है बहुत दिन हो गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस व्लॉग में मैं गुड न्यूज देने वाला हूँ, जो मेरे लिए गुड न्यूज है और आप सबके लिए भी आई बिलीव। गुड न्यूज ये है कि काफी दिनों के इंतजार के बाद कुछ स्पेशल जो है मेरे घर पे आया है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो स्पेशल चीज। चलिए दिखाते हैं आपको वो क्या है। ये अब ये क्या है, ये यहाँ पे तो इनक्रेडिबल इंडिया लिखा हुआ है स्वच्छ भारत। चलिए इस चीज की अनबॉक्सिंग करते हैं, ये तो आया है बहुत दिन हो गए लेकिन मैं इसका अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया, कुछ काम में बिजी था इसलिए। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। स्वच्छ भारत अनबॉक्सिंग, क्या निकला। पासपोर्ट निकला भारत सरकार। सो दिस इज इट गाइड्स, रिपब्लिक ऑफ इंडिया पासपोर्ट। यस, ये है मेरा पासपोर्ट, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट्स अ नॉर्मल पासपोर्ट फॉर अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया। और ये तो मैं नहीं दिखा सकता, ये पर्सनल डिटेल्स है, सॉरी। तो यस गाइस, आई गॉट इट। यस गाइस, फाइनली पासपोर्ट आ गया है और इससे बढ़िया गुड न्यूज़ और क्या हो सकती है गाइस। इंटरनेशनल ट्रैवल का टिकट मिल गया है आपको, लाइसेंस यही है। एक्चुअली चार टाइप्स के पासपोर्ट होते हैं, ये है फॉर नॉर्मल सिटीजन लाइक यू एंड मी, और एक होता है जो क्लास 10 क्वालिफिकेशन जो नहीं किए उनसे नीचे जो है, जो क्लास 10 स्टैंडर्ड जो पास नहीं किए उनसे नीचे है, उनका आता है ऑरेंज कलर का पासपोर्ट। एक होता है वाइट कलर का पासपोर्ट जो होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, हायर ऑफिशियल्स, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। एक होता है डिप्लोमेट्स के लिए, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं और आईएफएस ऑफिसर्स हैं, उन लोगों के लिए होता है। तो चार तरह के पासपोर्ट्स होते हैं। तो ये नॉर्मल सिटीजन ब्लू पासपोर्ट, हमारा जो इंडिया का जो पासपोर्ट है वो 83rd रैंक पे आता है वर्ल्ड में, 196 कंट्रीज है जिसमें से 83rd रैंक पे आता है। सबसे पावरफुल है जापान का पासपोर्ट, 190 कंट्रीज में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं जापान का पासपोर्ट से। लेकिन हम तो इंडियन है, जापानीज तो है नहीं। जो इंडियन सिटीजन है जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है वो करंटली 58 कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीजा और वीजा ऑन अराइवल। मतलब यहाँ से आपको वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं, आप वहाँ पे पहुँच के वीजा ले सकते हैं। मतलब कुछ देशों में ऐसे है और कुछ देश ऐसे हैं जिस पे वीजा चाहिए ही नहीं। 59 था, अब 58 हो गया क्योंकि सर्बिया ने जो है इंडियन सिटीजन्स के लिए वीजा फ्री अराइवल बंद कर दिया है। और पहले वो 90 डेज का था वीजा फ्री, आप घूम सकते थे 90 दिन तक वहाँ पे, लेकिन अब वो बंद कर दिया है। अब आपको वीजा लेना पड़ेगा पहले से, यहाँ से वीजा लेके फिर वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो एक देश कम हो गया है। तो अब वो 58 कंट्रीज कौन से हैं ये आपको नेक्स्ट क्लिप में दिख जाएगा। ये रहा, तो फाइनली पासपोर्ट तो आ गया है, अब वीजा लगाना पड़ेगा। सबसे पहला देश जो हम जाने वाले हैं वो होगा हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन रहेंगे बांग्लादेश, वापस आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं देखने को। वैसे सुंदर है बांग्लादेश बट उतना भी नहीं कि मैं ज़्यादा रहूँ। तो बांग्लादेश का ट्रिप प्लान करना पड़ेगा, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो इंटरेस्टेड हैं इसमें और उन्होंने मुझे कहा था कि जब बांग्लादेश जाओगे तो मुझे भी बताना, मैं भी जाऊँगा। ठीक है, चलते हैं एक साथ मिलके मज़े करेंगे और क्या। तो ब्लॉग को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस, काफ़ी खुशी मिल रही है पासपोर्ट आ गया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली।